कोडरमा में केंद्र सरकार द्वारा रेलवे निजीकरण व छटनी के खिलाफ AIRF के आह्वान पर जन जागरण सप्ताह अभियान के तहत कोडरमा स्टेशन से एक विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली को संबोधित करते हुए ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन कोडरमा के शाखा सचिव कमरेड BB सिंह ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा देश को बेचने की साजिश की जा रही है, जिसका ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन विरोध करता है। निजीकरण की आड़ लेकर यह कर्मचारियों का छटनीकरण करने पर पड़ी हुई है। अब निजीकरण उर्फ बेंचीकरण सिर्फ कर्मचारियों की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि यह पूरी जनता की हो चुकी है, क्योंकि पूरे देश की आने वाली पीढ़ी को नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो सिर्फ बंधुआ मजदूरों की। हम इस जन जागरण अभियान के तहत भारत की जनता को निजीकरण से होने वाले नुकसान से जागरूक करना चाहते हैं, साथ ही साथ यह बताना चाहते हैं कि अगर सरकार की यही नीति रही तो पढ़े लिखे छात्रों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। पूरे भारतीय रेलवे में जन जागरण सप्ताह मनाया जा रहा है, इसी के आलोक में आज हम लोग ECRKU कोडरमा के झंडी शाखा के तत्वाधीन में LIC हो, बैंक हो या सरकार की अर्थव्यवस्था के रीढ़ कहे जाने वाले भारतीय रेल हो, वो निजी सेक्टरों को सौंपा जा रहा है। जब सारी चीज, ये तो सोचने वाली बात है, जब सारी चीज निजी हाथों में रहेगी तो सरकार की भी कोई जरूरत नहीं है। सरकार की जरूरत तभी है जब वो सरकारी अंगों को देखभाल करने के लिए, उसकी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार बनाई जाती है।